हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर के बारे में। नॉर्मल इंडक्शन मोटर में हम लोग करके आ रहे थे, जो स्टेटर था उस पर हम लोग प्रोवाइड कर रहे थे थ्री फेज एसी सप्लाई, जिसके वजह से हो क्या रहा था, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही थी थ्री फेज एसी करंट फ्लो होने के वजह से। और वो जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड थी वो रोटर कंडक्टर को कट कर रही थी, जिसके वजह से जो रोटर कंडक्टर है उसमें इंड्यूस हो रहा था ईएमएफ। ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से जो रोटर है वो घूम रहा था, राइट। तो नॉर्मल इंडक्शन मोटर के केस में जो स्टेटर वाइंडिंग थी उसको हम लोग थ्री फेज करंट प्रोवाइड कर रहे थे, राइट। नॉर्मल इंडक्शन मोटर में स्टेटर के साथ हम लोग सप्लाई कनेक्ट कर रहे थे और जो रोटर है उसके साथ हम लोग मैकेनिकल लोड कनेक्ट कर रहे थे। मगर इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर के केस में उल्टा होता है। इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर के केस में जो रोटर होता है उसके साथ हम लोग सप्लाई कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, नॉर्मल इंडक्शन मोटर वी कनेक्ट सप्लाई टू स्टेटर एंड लोड विथ रोटर। नॉर्मल इंडक्शन मोटर में हम लोग जो सप्लाई है उसको हम लोग स्टेटर के साथ कनेक्ट करते हैं और जो लोड है उसको हम लोग रोटर के साथ कनेक्ट करते हैं। मगर इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर में जो हम लोग कनेक्ट करते हैं लोड को स्टेटर के साथ और जो सप्लाई है उसको हम लोग किसके साथ कनेक्ट करते हैं, रोटर के साथ कनेक्ट करते हैं। और यहाँ पर ये जो इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर है, हमारे पास दो इंडक्शन मोटर है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, वाउंड और स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर। तो दोनों में से हम लोग कौन सी मोटर को इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर बना सकते हैं? तो जो स्लिप रिंग टाइप की जो इंडक्शन मोटर है उसको हम लोग बना सकते हैं इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर। मगर स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को हम लोग इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर नहीं बना सकते। स्लिपरिंग टाइप इंडक्शन मोटर को हम लोग इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर बना सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर इज ऑल्सो नोन एज रोटर फेड इंडक्शन मोटर। इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर का एक और एक नाम होता है जो कि होता है रोटर फेड इंडक्शन मोटर, क्योंकि हम लोग रोटर पर सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं। वी कैन मेक इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर ओनली बाय स्लिपरिंग टाइप इंडक्शन मोटर। जैसे कि हमने डिस्कस किया, हम लोग इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओनली स्लिपरिंग टाइप इंडक्शन मोटर। तो इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर की इक्विवेलेंट सर्किट देखें तो इक्विवेलेंट सर्किट हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी। यहाँ पर ये हमने कंसीडर किया स्टेटर। हमें पता है जो स्टेटर की जो वाइंडिंग होती है वो हमेशा डेल्टा कनेक्टेड होती है, और ये जो स्टेटर है इसके साथ हम लोग क्या कनेक्ट करेंगे, स्टेटर के साथ हम लोग लगा देंगे थ्री फेस लोड, राइट। और यहाँ पर ये हमने कंसीडर किया है रोटर, यहाँ पर ये हमने कंसीडर किया है थ्री रोटर। और यहाँ पर ये जो रोटर है इसके, ये रोटर की वाइंडिंग हमने कंसीडर किया है, राइट। हमें पता है जो रोटर की जो वाइंडिंग होती है वो हमेशा स्टार कनेक्टेड होती है। यहाँ पर ये, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगी हुई है स्लिप रिंग और यहाँ पर ये लगा हुआ है शाफ्ट। तो यहाँ पर ये जो वाइंडिंग है इसको हम लोग, रोटर की जो वाइंडिंग है उसको हम लोग एनर्जाइज करेंगे ये थ्री फेस सप्लाई के हेल्प से वायर दिस स्लिप रिंग। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो रोटर की जो सर्किट है वो थ्री फेस सप्लाई के साथ कनेक्टेड है। तो बहुत हद तक क्लियर है, इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर में जो रोटर की जो सर्किट है वो थ्री फेस सप्लाई के साथ कनेक्टेड है और जो स्टेटर है वो किसके साथ कनेक्टेड है, लोड के साथ कनेक्टेड है। तो अगर हम लोग ऑपरेशन के बारे में बात करें इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर की, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो रोटर है वो थ्री फेस सप्लाई के साथ कनेक्टेड है, रोटर इज कनेक्टेड विथ थ्री फेस एसी सप्लाई, जिसकी वजह से होगा क्या, थ्री फेस करंट फ्लो होने लगेगा रोटर के थ्रू, ड्यू टू विच थ्री फेस करंट फ्लो फ्रॉम रोटर, और जो रोटर होगा वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब ये जो रोटर की जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय रोटर कट्स स्टेटर वाइंडिंग। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, सेम इंडक्शन मोटर की तरह है, रोटर जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस कर रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड वो स्टेटर वाइंडिंग के साथ लिंक करेंगी, जिसके वजह से स्टेटर वाइंडिंग में इंड्यूस होगा ईएमएफ। ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से जो स्टेटर वाइंडिंग है उसमें करंट का फ्लो होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय रोटर कट स्टेटर वाइंडिंग, ड्यू टू विच ईएमएफ इंड्यूस इन द स्टेटर वाइंडिंग, और जो करंट है वो फ्लो होने लगेगा स्टेटर वाइंडिंग में। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इंडक्शन मोटर में जो रोटर होता है वो रोटेट करता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, मगर इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर के केस में जो रोटर है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर में हमें पता होना चाहिए कि जो रोटर होता है वो आरएमएफ के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है। इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर हम लोग ऑप्टेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लिपरिंग टाइप इंडक्शन मोटर, राइट। और सिमिलरली जो इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर है उसका एक और एक नाम होता है रोटर फेड इंडक्शन मोटर, राइट। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर। साथ ही साथ अभी हम लोग बात कर लेते हैं इंडक्शन जनरेटर के बारे में भी, राइट। इंडक्शन जनरेटर के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इंडक्शन जनरेटर के बारे में बात करते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, हमने बात किया था अगर रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के कंपैरिजन में कम होती है तो ऐसे केस में हमारी जो मशीन है वो इंडक्शन मोटर के तौर पर काम करती है। मगर अगर रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा हो जाए तो ऐसे केस में हमारी जो मोटर है वो एक जनरेटर के तौर पर काम करती है। हमारी जो इंडक्शन मशीन है वो जनरेटर के तौर पर काम करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज़्यादा प्रॉबेबिलिटी है इन केस ऑफ इंडक्शन मोटर। अगर NR अगर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू NS तो आपकी जो इंडक्शन मशीन है वो जनरेटर के तौर पर काम करेगी, और अगर NR अगर कम होता है सिंक्रोनस स्पीड के कंपैरिजन में, रोटर की स्पीड अगर कम होती है सिंक्रोनस स्पीड के कंपैरिजन में, तो ऐसे केस में हमारी जो मशीन है वो कैसा काम करेंगी, इंडक्शन मोटर के तौर पर काम करेगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इंडक्शन जनरेटर के केस में होता क्या है, इन इंडक्शन जनरेटर
रोटर स्पीड रिमेन मोर देन सिंक्रोनस स्पीड। इंडक्शन जनरेटर के केस में रोटर की जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है सिंक्रोनस स्पीड के कंपैरिजन में। तो जो रोटर की जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है सिंक्रोनस स्पीड के कंपैरिजन में। रोटर की स्पीड ज़्यादा होती है सिंक्रोनस स्पीड के कंपैरिजन में, इसका रीज़न ये होता है कि इंडक्शन जनरेटर के केस में जो रोटर होता है उसको हम लोग ड्राइव करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर। तो जो रोटर की जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सिंक्रोनस स्पीड, क्योंकि जो रोटर होता है मोटर का उसको हम लोग रोटेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर, राइट। दूसरा अगर हम लोग देखें इंडक्शन जनरेटर के केस में जो स्लिप होती है वो जीरो से कम होती है। इन इंडक्शन जनरेटर स्लिप रिमेन लेस देन जीरो। स्लिप जीरो से कम क्यों होती है, इसका रीज़न आपको पता चलेगा जब हम लोग टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे थे। तभी हमने ये देखा था कि जिस स्लिप की वैल्यू जीरो से कम होती है तो ऐसे केस में हमारी जो मशीन है वो जनरेटर के तौर पर काम करती है। स्लिप जब जीरो और वन के बीच में होती है तो मशीन मोटर के तौर पर काम करती है। स्लिप जब वन से ज़्यादा होती है तो ऐसे केस में जो मोटर है उस पर लगती है ब्रेक, राइट। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक। तो ये रीज़न की वजह से जो स्लिप है वो जीरो होती है। इंडक्शन जनरेटर के केस में जो स्लिप होती है वो जीरो से कम होती है, आपको पता होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो इंडक्शन जनरेटर होता है, इंडक्शन जनरेटर गिव्स इलेक्ट्रिकल आउटपुट थ्रू स्टेटर वाइंडिंग। जो इंडक्शन जनरेटर होता है वो इलेक्ट्रिकल आउटपुट देता है स्टेटर वाइंडिंग के थ्रू, एंड वी प्रोवाइड मैकेनिकल इनपुट टू इंडक्शन जनरेटर थ्रू रोटर। और हम लोग इंडक्शन जनरेटर को मैकेनिकल इनपुट प्रोवाइड करते हैं रोटर के हेल्प से, राइट। तो इंडक्शन जनरेटर के केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर और यहाँ पर ये इंडक्शन जनरेटर, दोनों में कन्फ्यूज मत होना आप। इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर में हमने क्या डिस्कस किया था, रोटर पर हम लोग प्रोवाइड कर रहे थे थ्री फेज सप्लाई और जो स्टेटर है उसके साथ हम लोग लोड कनेक्ट कर रहे थे। और यहाँ पर ये जो इंडक्शन जनरेटर है इसमें हम लोग करके आ रहे हैं जो रोटर है, इंडक्शन जनरेटर में जो रोटर है उसके साथ हम लोग लगा रहे हैं मैकेनिकल लोड, और जो जो रोटर है उसको हम लोग प्राइम मूवर से घुमा रहे हैं, और जो स्टेटर की जो वाइंडिंग है उसके साथ हम लोग लोड लगा रहे हैं। स्टेटर की जो वाइंडिंग है वो हमें करंट जनरेट करके देगी, राइट। तो जो इंडक्शन जनरेटर है वो इलेक्ट्रिकल आउटपुट देता है स्टेटर वाइंडिंग के थ्रू, और हम लोग प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल इनपुट इंडक्शन जनरेटर को रोटर के थ्रू, राइट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें कोई भी मशीन कंसीडर कर लो, जैसे कि हमने डिस्कस किया था इंडक्शन जनरेटर, हमने इंडक्शन मोटर के बारे में हमने बात किया था, ट्रांसफार्मर वर्सेस इंडक्शन मोटर की जब हम लोग कंपैरिजन कर रहे थे तो वो वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि हमारी जो मशीन होती है उसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसे हमें बनाए रखना होता है, राइट। ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है अगर ये बना के अगर हम लोग रखते हैं, कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स अगर हमारी मशीन में अगर एग्जिस्ट करते हैं तो हमारी जो मशीन है इंडक्शन मोटर वो स्मूथली ऑपरेट हो पाएंगी। हमें पता है जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी इलेक्ट्रिकल मशीन में, राइट। तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसे बनाने के लिए मैग्नेटाइजिंग करंट चाहिए होता है इंडक्शन मोटर के केस में, क्योंकि एयर गैप होता है। और ये मैग्नेटाइजिंग करंट की वजह से होता क्या है, ये जो मैग्नेटाइजिंग करंट है इसकी वजह से जो रिएक्टिव पावर है वो बढ़ने लगता है, राइट। हम लोग इन शॉर्ट बोल सकते हैं जो फ्लक्स है इसका रिलेशन होता है किसके साथ, रिएक्टिव पावर के साथ। अगर हमें मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए तो हमें क्या चाहिए होगा, हमें रिएक्टिव पावर चाहिए होगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो मैग्नेटिक फ्लक्स होती है इंडक्शन जनरेटर में वो हमें कहाँ से मिलती है, हमें रिएक्टिव पावर में से मिलती है। और वो जो रिएक्टिव पावर है वो हमें कहाँ से मिलता है, स्टेटर वाइंडिंग के थ्रू मिलता है। तो इंडक्शन जनरेटर के केस में फ्लक्स बनाने के लिए जो रिएक्टिव पावर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो हमें जो रिएक्टिव पावर हमें जो चाहिए होता है वो हमें कहाँ से मिलता है, वो हमें स्टेटर की वाइंडिंग से मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें नोट डेट मैग्नेटिक फ्लक्स इन इंडक्शन जनरेटर, मैग्नेटिक फ्लक्स इंडक्शन जनरेटर में हमें मिलती है बाय एब्जॉर्बिंग रिएक्टिव पावर फ्रॉम स्टेटर वाइंडिंग। स्टेटर वाइंडिंग से हम लोग रिएक्टिव पावर लेते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं स्टेटर वाइंडिंग के थ्रू स्टेटर वाइंडिंग का जो रिएक्टिव पावर होता है उसके हेल्प से मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होती है इंडक्शन जनरेटर के केस में। इसका रीज़न ये होता है क्योंकि जो रोटर की जो सर्किट होती है उसके साथ कोई इलेक्ट्रिकल सोर्स कनेक्टेड नहीं होता, बिकॉज नो इलेक्ट्रिकल सोर्स इज प्रेजेंट विद द रोटर सर्किट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लेना। नोट डेट मैग्नेटिक फ्लक्स इन इंडक्शन जनरेटर, मैग्नेटिक फ्लक्स इंडक्शन जनरेटर में हमें मिलता है रिएक्टिव पावर से स्टेटर वाइंडिंग की, स्टेटर वाइंडिंग की रिएक्टिव पावर से, स्टेटर वाइंडिंग से रिएक्टिव पावर को एक्सट्रैक्ट करके फ्लक्स बनती है इंडक्शन जनरेटर में, क्योंकि कोई इलेक्ट्रिकल सोर्स रोटर की सर्किट के साथ कनेक्ट नहीं होता। जो इंडक्शन जनरेटर होता है वो लीडिंग पावर फैक्टर पर ऑपरेट होता है। उसका रीज़न ये होता है कि जो रियल पावर के फ्लो का डायरेक्शन और रिएक्टिव पावर के फ्लो का जो डायरेक्शन होता है वो दोनों अपोजिट होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इंडक्शन जनरेटर ऑपरेट्स एट लीडिंग पावर फैक्टर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ रियल पावर फ्लो एंड रिएक्टिव पावर फ्लो रिमेन अपोजिट, क्योंकि रियल पावर के फ्लो का डायरेक्शन और जो रिएक्टिव पावर के फ्लो का जो डायरेक्शन होता है वो अपोजिट होता है, राइट। रियल पावर इज ग्रेटर देन जीरो, जो रियल पावर होता है वो जीरो से ज़्यादा होता है और जो रिएक्टिव पावर होता है वो जीरो से कम होता है। तो जो इंडक्शन जनरेटर होता है वो ऑपरेट करता है लीडिंग पावर फैक्टर पर। तो यहाँ से हमने ये समझा इंडक्शन जनरेटर जो होता है, अगर इंडक्शन जनरेटर में रियल पावर के फ्लो का डायरेक्शन और रिएक्टिव पावर के फ्लो का डायरेक्शन दोनों अपोजिट होता है और रियल पावर जीरो से ज़्यादा होता है, रिएक्टिव पावर जीरो से कम होता है, तो ऐसे केस में हमारा जो इंडक्शन जनरेटर है वो लीडिंग पावर फैक्टर पर ऑपरेट होगा।
बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो हमारा जो इंडक्शन जनरेटर है वो कौन से पावर फैक्टर पर ऑपरेट होता है। तो जो इंडक्शन जनरेटर है वो लीडिंग पावर फैक्टर पर ऑपरेट होता है, मगर जो सिंक्रोनस जनरेटर होता है वो कोई भी पावर फैक्टर पर ऑपरेट हो सकता है, जैसे कि लीडिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर। क्योंकि जो सिंक्रोनस जनरेटर का जो पावर फैक्टर होता है वो डिपेंड करता है रोटर के एक्साइटेशन के ऊपर। इनफैक्ट जो सिंक्रोनस जनरेटर का जो पावर फैक्टर होता है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं बाय कंट्रोलिंग एक्साइटेशन ऑफ रोटर सर्किट। सिंक्रोनस जनरेटर क्या होता है इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे आगे आने वाले कॉन्सेप्ट में। तो सिंक्रोनस जनरेटर कैन ऑपरेट एट एनी पावर फैक्टर, जो सिंक्रोनस जनरेटर है वो कोई भी पावर फैक्टर पर ऑपरेट कर सकता है, चाहे लीडिंग पावर फैक्टर होने दो, लैगिंग पावर फैक्टर होने दो, या फिर यूनिटी पावर फैक्टर होने दो। यहाँ पर अगर हम लोग देखें सिंक्रोनस जनरेटर का जो पावर फैक्टर है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं बाय कंट्रोलिंग एक्साइटेशन ऑफ रोटर। अगर हमें सिंक्रोनस जनरेटर के पावर फैक्टर को अगर हमें कंट्रोल करना है तो हम लोग क्या करेंगे, जो रोटर का जो एक्साइटेशन है उसको कंट्रोल करते हुए सिंक्रोनस जनरेटर का जो पावर फैक्टर है उसको हम लोग कंट्रोल करेंगे। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये इंडक्शन जनरेटर में हमें अलग अलग टाइप के जनरेटर मिलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सबसे पहला सेल्फ एक्साइटेड इंडक्शन जनरेटर के बारे में, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे एक्सटर्नली एक्साइटेड इंडक्शन जनरेटर के बारे में। तो सबसे पहला बात करते हैं सेल्फ एक्साइटेड इंडक्शन जनरेटर के बारे में। ये सेल्फ एक्साइटेड इंडक्शन जनरेटर में हम लोग करते क्या है, जो स्टेटर होता है उसके साथ हम लोग लगा के रखते हैं कैपेसिटर, क्योंकि जो कैपेसिटर होता है वो रिएक्टिव पावर प्रोवाइड करता है और ये रिएक्टिव पावर की वजह से जनरेटर में बनती है फ्लक्स। तो हमें अगर हम लोग देखें इन दिस जनरेटर सेल्फ एक्साइटेड इंडक्शन जनरेटर में, इन दिस जनरेटर वी यूज कैपेसिटर अलॉन्ग विद स्टेटर टर्मिनल। तो ये जनरेटर में हम लोग कैपेसिटर का यूज़ करते हैं अलॉन्ग विद स्टेटर टर्मिनल, और ये जो कैपेसिटर होता है वो रिएक्टिव पावर प्रोवाइड करता है जनरेटर को, और जो जनरेटर होता है वो फ्लक्स बनाता है, राइट। हमें पता है जनरेटर में फ्लक्स बनाना बहुत ज़रूरी है, इससे पहले हमने बात किया था डीसी मशीन में भी, जनरेटर में अगर फ्लक्स अगर ज़्यादा होगा तो ऐसे केस में जनरेटर का जो आउटपुट होगा वो भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ से हमने ये देखा कि जो इंडक्शन जनरेटर होता है उसके स्टेटर के साथ हम लोग कैपेसिटर लगाते हैं, और ये जो कैपेसिटर होता है वो जनरेटर को रिएक्टिव पावर प्रोवाइड करता है जिसके वजह से जनरेटर में बनती है फ्लक्स। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो कैपेसिटर जो रिएक्टिव पावर जो प्रोवाइड कर रहा है वो डिपेंड करता है करंट के ऊपर जो कि कैपेसिटर में फ्लो हो रहा होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें नोट डेट कैपेसिटर गिव रिएक्टिव पावर व्हेन करंट फ्लोस फ्रॉम कैपेसिटर, कैपेसिटर हमें रिएक्टिव पावर तभी देगा जब कैपेसिटर के थ्रू करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें बेसिकली होता क्या है, जो कैपेसिटर का जो करंट होता है वो जनरेटर के करंट के ऊपर डिपेंड करता है, और जो जनरेटर का जो करंट होता है वो कैपेसिटर के करंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कैपेसिटर का करंट और जो जनरेटर का जो करंट है दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, कैपेसिटर का करंट जनरेटर करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है और जो जनरेटर का जो करंट है वो कैपेसिटर के करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर कैपेसिटर करंट प्रोवाइड नहीं करेगा तो जनरेटर काम नहीं करेगा, जिसकी वजह से जनरेटर करंट ही नहीं बना पाएगा, और अगर जनरेटर करंट ही नहीं बना पा रहा है तो जो कैपेसिटर है उसको करंट ही नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें अगर ऐसा चलता रहा तो ऐसे केस में हमारा जो इंडक्शन जनरेटर है वो कभी ऑपरेट ही नहीं हो पाएगा, राइट। कैपेसिटर को चाहिए जनरेटर का साथ, और जो जनरेटर है उसको चाहिए कैपेसिटर का साथ, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। तो यहाँ पर प्रैक्टिकली होता क्या है, जैसे कि हमने डिस्कस किया अगर जनरेटर अगर करंट नहीं बनाता है तो कैपेसिटर में करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, और कैपेसिटर में अगर करंट नहीं फ्लो हो पा रहा है तो जो जनरेटर है वो चल नहीं पाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, मगर प्रैक्टिकली होता क्या है, जनरेटर में रेसिडुअल फ्लक्स होती है, और वो रेसिडुअल फ्लक्स की वजह से होता क्या है, थोड़ी बहुत रेसिडुअल फ्लक्स की वजह से बनता है ईएमएफ, और वो ईएमएफ के वजह से बन जाता है करंट, और ये जो करंट होता है वो कैपेसिटर के थ्रू फ्लो कर जाता है, और जो कैपेसिटर है उसको स्टार्टिंग का करंट मिल जाता है, जिसकी वजह से जो कैपेसिटर है वो रिएक्टिव पावर बनाता है, और ये रिएक्टिव पावर से फ्लक्स का मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ करता है, ईएमएफ का मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ करता है, जनरेटर जो करंट बना रहा होता है वो इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से कैपेसिटर का करंट इंक्रीज़ होता है, रिएक्टिव पावर इंक्रीज़ होता है, फ्लक्स इंक्रीज़ होता है, ईएमएफ इंक्रीज़ होता है, करंट इंक्रीज़ होता है, कैपेसिटर करंट इंक्रीज़ होता है, रिएक्टिव पावर इंक्रीज़ होता है, और ये जो रीजनरेटिव प्रोसेस है वो चलते रहता है, और हमारा जो जनरेटर है वो स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये हो किसके वजह से रहा है, रेसिडुअल फ्लक्स की वजह से। अगर प्रैक्टिकली अगर रेसिडुअल फ्लक्स अगर नहीं होती, प्रैक्टिकली अगर रेसिडुअल फ्लक्स नहीं होती, इफ़ देयर वेर नो रेसिडुअल फ्लक्स, अगर प्रैक्टिकली अगर कोई रेसिडुअल फ्लक्स नहीं होती तो ना ही जनरेटर करंट बना पाता और ना ही कैपेसिटर रिएक्टिव पावर दे पाता। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, इफ देयर वेर नो रेसिडुअल फ्लक्स प्रैक्टिकली, अगर कोई रेसिडुअल फ्लक्स नहीं होती, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, प्रैक्टिकली अगर रेसिडुअल फ्लक्स नहीं होती तो ना ही जनरेटर नीदर जनरेटर कुड जनरेट करंट, ना ही जनरेटर करंट जनरेट कर पाता और ना ही कैपेसिटर रिएक्टिव पावर जनरेट कर पाता। सो इफ देयर वेर नो रेसिडुअल फ्लक्स प्रैक्टिकली अगर कोई रेसिडुअल फ्लक्स नहीं होती, देन नीदर जनरेटर कुड जनरेट करंट नॉर कैपेसिटर कुड जनरेट रिएक्टिव पावर। तो यहाँ पर हमने बात किया सेल्फ एक्साइटेड इंडक्शन जनरेटर के बारे में। दूसरा जो जनरेटर होता है वो होता है एक्सटर्नली एक्साइटेड इंडक्शन जनरेटर। एक्सटर्नली एक्साइटेड इंडक्शन जनरेटर के साथ हम लोग बहुत सारे सिंक्रोनस जनरेटर लगा के रखते हैं।
यहाँ पर ये जो सिंक्रोनस जनरेटर होते हैं वो क्या करते हैं, रिएक्टिव पावर प्रोवाइड करते हैं एक्सटर्नली एक्साइटेड इंडक्शन जनरेटर को। इन एक्सटर्नली एक्साइटेड इंडक्शन जनरेटर वी कनेक्ट मल्टीपल सिंक्रोनस जनरेटर। एक्सटर्नली एक्साइटेड इंडक्शन जनरेटर में हम लोग बहुत सारे सिंक्रोनस जनरेटर कनेक्ट करके रखते हैं विद दिस एक्सटर्नली एक्साइटेड इंडक्शन जनरेटर। तो इस स्टेटमेंट को अगर हम लोग रीड करें, इन एक्सटर्नली एक्साइटेड इंडक्शन जनरेटर वी कनेक्ट मल्टीपल सिंक्रोनस जनरेटर विद दिस एक्सटर्नली एक्साइटेड इंडक्शन जनरेटर। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो सिंक्रोनस जनरेटर होते हैं वो रिएक्टिव पावर प्रोवाइड करते हैं ये इंडक्शन जनरेटर को, जिसके वजह से फ्लक्स सेटअप होते हैं इंडक्शन जनरेटर में और जो इंडक्शन जनरेटर होता है वो काम करता है। तो एक्सटर्नली एक्साइटेड इंडक्शन जनरेटर, यहाँ से आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कौन सा ऐसा इंडक्शन जनरेटर होता है जनरेटर जिसके साथ हम लोग बहुत सारे सिंक्रोनस जनरेटर को लगा के रखते हैं, तो ऐसा जो जनरेटर होता है कौन सा जनरेटर होता है। तो आपको चार ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो एक्सटर्नली एक्साइटेड इंडक्शन जनरेटर होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो एक्सटर्नली एक्साइटेड इंडक्शन जनरेटर होता है उसका जो एप्लीकेशन होता है वो आपको पावर ग्रिड में मिलेगा। यहाँ से भी एमसीक्यू आ सकते हैं। नोट डैट इंडक्शन जनरेटर में जो पावर का जो फ्लो होता है वो कैसा होता है, रोटर से स्टेटर के तरफ होता है वाया एयर गैप। नोट डैट इन इंडक्शन जनरेटर पावर फ्लो फ्रॉम रोटर टू स्टेटर वाया एयर गैप। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, इंडक्शन जनरेटर के केस में पावर का जो फ्लो होता है वो कैसा होता है, रोटर से स्टेटर होता है या फिर स्टेटर से रोटर होता है। तो रोटर से स्टेटर होता है वाया एयर गैप पावर का फ्लो इन केस ऑफ इंडक्शन जनरेटर। तो नोट डैट इन इंडक्शन जनरेटर पावर फ्लो फ्रॉम रोटर टू स्टेटर पावर रोटर से स्टेटर फ्लो करता है वाया एयर गैप। अगर इंडक्शन जनरेटर के ड्रॉबैक के बारे में बात करें, तो यहाँ पर ये जो इंडक्शन जनरेटर होता है इसको चाहिए होता है रिएक्टिव पावर, और यहाँ पर ये जो जनरेटर है लीडिंग पावर फैक्टर पर ऑपरेट होता है और इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो भी कम होती है।